तो ये कहानी शुरू होती है और हम नीना नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो विजिट वीजा पे यूएस आई थी और अब उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यू हो गया था जिसको रिजॉल्व करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसलिए उसके दोस्त उसे लीथर नामी एक बूढ़े आदमी के घर ले जा रहे थे ताकि वहाँ जाकर नीना कुछ काम कर सके और कुछ पैसे कमा कर अपना ये केस लड़ सके। नीना पूछती है आखिर ये लीथर कैसा इंसान है। जवाब में उसके दोस्त बताते हैं हाँ वो काफी अच्छा है, उसके पास पहले भी काफी लड़कियों ने काम किया और वो सब काफी खुश रही। तुम परेशान ना हो, वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। जंगल से गुजरते हुए ये लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। तभी जंगल से भागता हुआ एक आदमी नीना की तरफ आकर उससे मदद मांगने लगता है। नीना डर कर वापस गाड़ी में बैठ जाती है और अपनी दोस्त से कहती है शायद तो उस आदमी को हमारी मदद की जरूरत है, लेकिन वो लड़की उसे समझाती है यहाँ किसी की भी हम ऐसे मदद नहीं कर सकते। ये यहाँ ट्राइब्स यानी कबीलों में रहने वाले लोग हैं, इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती है और अगर हम इनकी लड़ाइयों में पड़े तो हमारी भी जान खतरे में पड़ सकती है। खैर ये लोग अब लीथर के घर भी पहुंच जाते हैं जहाँ जाकर नीना की दोस्त लीथर को बताती है कि नीना यहाँ काम की तलाश में आई है। लीथर उसे काम देने के लिए तो मान जाता है लेकिन कहता है तुम जानते हो ना यहाँ पहले जितनी भी लड़कियाँ आई वो सारी ही अनमैरिड थी, मतलब उनके पास बच्चे नहीं थे, लेकिन नीना की तो एक बेटी भी थी। नीना कहती है नहीं आप परेशान ना हो, ये बिल्कुल शरारती नहीं है, ये हमें तंग नहीं करेगी, मैं आपका खूब ख्याल रखूंगी। जिसके बाद लीथर उसे काम देने के लिए तैयार हो जाता है। नीना की दोस्त अब यहाँ से चली जाती है और लीथर नीना को अपना घर दिखाना शुरू कर देता है जहाँ नीना बहुत से डियर्स के यानी हिरनों के कटे हुए सर दिखती है, जिसके बारे में लीथर बताता है कि मुझे हिरनों का शिकार करने का बहुत शौक है, मैं अक्सर उनका शिकार करके उनका गोश्त खाता हूँ और उनके सरों को प्रिजर्व करके अपने घर पे रख लेता हूँ। लीथर अब उसे अपने कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर एक बहुत पुरानी फोटो थी। नीना जब उसके बारे में सवाल करती है तो लीथर बताता है ये मेरे परदादा की फोटो है, उस वक्त की जब हम लोग हार्वेस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे। नीना पूछती है हार्वेस्ट हार्वेस्ट क्या होता है। लीथर कहता है जल्द ही हार्वेस्ट आने वाला है, हम लोग एक साथ मिलकर मनाएंगे, तब तुम देखिए ना कि क्या होता है। रात हो जाती है और ये सब लोग सो जाते हैं। सुबह उठने पर नीना देखती है कि उसकी बेटी उसके साथ थी ही नहीं। वो घबरा कर नीचे आती है तो देखती है कि लीथर ने न सिर्फ अपने लिए नाश्ता बना लिया था बल्कि वो तो उसकी बेटी को भी नाश्ता करवा रहा था। ये देखकर नीना थोड़ा शर्मिंदा हुई, वो उससे माफी मांगती है और कहती है कल से मैं जल्दी उठूंगी और आपका नाश्ता आपके उठने से पहले बना दूंगी। लीथर कहता है अरे कोई बात नहीं, ये तुम्हारा पहला दिन था, आज तुम इंजॉय करो, मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाया है, तुम नाश्ता कर लो फिर मैं तुम्हें एक काम समझा दूंगा। इनकी बातों के दौरान अचानक इन्हें बेसमेंट से अजीब आवाजें आने लगती है। लीथर उनसे कहता है घबराओ नहीं, असल में मेरा घर जंगल के पास है तो अक्सर बेसमेंट पे रकून आ जाते हैं, आप लोग आराम से नाश्ता करें मैं उसे निकाल कर आता हूँ। इसके बाद लीथर नीना को काम समझाना शुरू कर देता है। इस दौरान उसने नीना को यह भी बताया था कि उसने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि वो अकेला ही रहना पसंद करता है। साथ ही उसने नीना को अपने घर के बाहर एक ऐसा रूम भी दिखाया जहाँ पे उसे किसी का भी जाना पसंद नहीं, वो उसका पर्सनल रूम था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीथर अपने बेसमेंट में गया, वहाँ से एक गोश्त का टुकड़ा लेकर वो नीना के पास आया और उसे डिनर में इस गोश्त को पकाने को बोला। इसी दौरान लीथर देखता है कि नीना को बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी, वो उसके लिए एक अजीब सी टी बनाता है और नीना से कहता है कि अगर तुम इसे पी लोगी तो आज के बाद तुम्हें कभी कफ नहीं होगी। नीना को ये बात थोड़ी अजीब लगी लेकिन उसे चुपचाप ये चाय पी ली, जो पीते ही उससे चक्कर आ गए और वो वहां से जाकर सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो वो काफी फ्रेश फील कर रही थी, उसे ना तो कफ थी और ना ही बुखार। लूथर दोबारा उसके रूम में आता है और उसे वही टी सर्व करता है, इस वक्त भी वो खुशी खुशी ये पी चुकी थी। जिस वक्त नीना ये पी रही थी हम देखते हैं कि लूथर उसे अजीब सी नजरों से दिख रहा है, ऐसे जैसे वो टी जो उसने उसे दी वो कोई टी नहीं कोई अजीब चीज हो जिसे पिलाने के पीछे उसका मकसद भी बुरा हो। इसे पीते ही नीना को दोबारा बहुत गहरी नींद आ जाती है, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसे पीते ही उसे इतनी ज्यादा नींद आ जाती थी। खैर अगली सुबह हम देखते हैं कि नीना अपना काम शुरू कर चुकी थी, वो घर में चलाने के लिए लकड़ियां जब काट रही होती है तब लूथर उसके पास आता है और कहता है कि मैं ग्रोसरी करने जा रहा हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगा, मेरे आने तक हर चीज का ख्याल रखना। अभी वो गया ही था कि यहाँ पर कोई भागता हुआ आदमी आया और नीना से मदद मांगने लगा। नीना को इस आदमी को देखते ही खतरा महसूस हो रहा था, वो फौरन से अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है और जैसे ही लूथर घर आता है वो लूथर को उस आदमी के बारे में बताती है। आदमी का नाम सुनते ही लूथर उससे अजीब बातें करने लगा, वो कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम्हें यहाँ कोई भी आदमी नजर आए तो समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए खतरा है, तुम उसे फौरन ही मार देना। नीना कहती है कैसे, मैंने तो ये काम कभी नहीं किया। तब लूथर उसे बाहर लेकर जाता है और उसे लोगों को मारने की प्रैक्टिस करवाने लगता है। प्रैक्टिस के लिए वो नीना से कहता है कि तुम यहाँ हिरन के बच्चे को मार दो। नीना ने कभी किसी की जान नहीं ली थी, वो तो डर रही थी। उसे में लूथर उसे कहता है तुम पागल हो, तुम्हें अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी को भी मारना होगा। लूथर और नीना को देखकर वो बंदा जो पहले भी नीना से मदद मांगने आया था वो दोबारा इधर आ जाता है।
जिसे देखते ही लूथर उसके सर पे गन मार के उसे नीचे गिरा देता है। इससे पहले कि लूथर उसे और मार देता, वो बंदा चीख चीख कर उसे समझाता है, अरे नहीं, मैं आप लोग के लिए खतरा नहीं हूँ, यहाँ पास में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे बस आप लोग की मदद चाहिए उसे ठीक करने के लिए। इस आदमी ने अपना नाम आंद्रे बताया था। लूथर को बाकी लगा कि आदमी सच बोल रहा है, इसीलिए वो इस आदमी को घर ले आया। घर आकर कुछ ही देर में आंद्रे की नीना के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और ये चीज लूथर ने भी नोटिस कर ली। वो लूथर को 2 दिन के लिए यहाँ रहने की इजाजत दे देता है क्योंकि 2 दिन बाद उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल भी था। उसके यहाँ रहने वाले फैसले से नीना बहुत खुश हुई थी। लूथर ने तो उसकी गाड़ी ठीक करने की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। साथ ही उसने लूथर को वही टी पिलाई जो वो हर रोज नीना को पिलाता था, जिसके बाद लूथर वहाँ से सोने के लिए चला जाता है और नीना किचन समेटने लगती है। आंद्रे उसकी मदद के लिए किचन में ही आ जाता है और उसकी नजर पड़ती है किचन में मौजूद वाइन पर। वो नीना से पूछता है, क्यों ना आज रात हम वाइन पिए? नीना कहती है, नहीं असल में ये लूथर का घर है, मुझे हर काम उसकी परमिशन से करना पड़ता है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ मेड हूँ। आंद्रे पूछता है कि तुम यहाँ किस मजबूरी में आई हो? जवाब में नीना कहती है कि मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है, उन्हें ठीक करवाने के लिए मुझे कुछ फीस की जरूरत है और उन्हीं पैसों का इंतजाम करने के लिए मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। आंद्रे उसे बताता है कि मैं भी यहाँ पर विजिट वीजा पे ही हूँ। इन सारी बातों के बाद ये दोनों ही सोने के लिए चले जाती है। आधी रात में नीना की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी खिड़की के दूसरी तरफ कोई आदमी हिरन के सींग पहने खड़ा था। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई। उसने आंखें चपकाई और जब वहाँ दोबारा देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, ये सब उसका ख्याल है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बेटी आज भी बिस्तर पे नहीं थी। वो भागकर घर पे देखती है, घर पे भी उसकी बेटी नहीं थी। घबरा कर वो जब घर से बाहर गई तो देखा उसने कि उसकी बेटी लूथर के साथ खेल रही थी। जल्दी से उसने अपनी बेटी को पकड़ कर गले लगा लिया। इस टाइम यहाँ जंगल में दूर उसे 3 हिरन के मास्क पहने हुए लोग दिखाई दिए। इन्हें देखकर वो दोबारा डर गई। वो लूथर को इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो लूथर को बताती वो तीनों के तीनों यहाँ से गायब हो गए। लूथर उसे कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही है, तुमने रात में मेरे घर वाइन पिया ना, मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ पे कोई काम नहीं करोगी। जिसके बाद वो नीना को कहता है कि चलो तैयारी करो, रात को यहाँ कुछ मेहमान आएंगे। लूथर की बात मानते हुए वो लूथर के पीछे पीछे उसके रूम में चली जाती है तैयारी करने के लिए, जहाँ वो दिखती है एक ऐसी किताब जिसके ऊपर वही लोग बने हुए थे जो उसे हेलुसिनेशंस में नजर आ रहे थे। इससे पहले कि वो लूथर से सवाल करती कुछ, लूथर उसे डांट देता है और कहता है, तुम्हारी आदतें बहुत बिगड़ रही है, छोड़ दो इस किताब को, खबरदार जो तुमने मेरी चीजों को बगैर पूछे हाथ लगाया, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जिसके बाद वो नीना को एक ड्रेस देता है और कहता है कि ये पहनकर रात में तैयार रहना, रात में तुम्हें अच्छा दिखना है। नीना उसकी बात मानते हुए वही ड्रेस पहनकर रात में अच्छा सा तैयार होती है और अपनी बेटी के साथ उसके मेहमानों के सामने आती है। और जब वो मेहमानों के सामने आती है तो देखती है कि सभी मेहमान काफी अजीब बिहेव कर रहे थे। यही चीज नोटिस करते हुए वो आंद्रे को अपने साथ ऊपर ले जाती है और उसे बात करते हुए कहती है, ये लोग कितना अजीब बिहेव कर रही है। आंद्रे भी उसके हाँ में हाँ मिला रहा था क्योंकि ये चीज तो उसने भी नोटिस की थी। अब आंद्रे उसे कहता है, मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ फील हो रही है, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी को लेकर हम यहाँ से निकल जाते हैं, मेरे पास एक रूम है, तुम वहाँ पे रह सकती हो, साथ ही साथ तुम्हारा पैसों का इशू भी मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे भी हैं और जॉब भी, तो मेरे लिए काम करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन ऐना कहते हैं, नहीं लूथर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। जवाब में आंद्रे कहता है, ठीक है तो तुम फिर यहाँ पर ध्यान से रहना, अपनी आंखें खुली रखना। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर लूथर भी आ जाता है जो कि इन दोनों को नीचे बुला लेता है और ये सभी लोग अपनी पार्टी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद लूथर आंद्रे से कहता है, तुम्हारी गाड़ी भी अब तैयार है और हमारी पार्टी भी हो चुकी है, तुम अगर चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वो खुद आंद्रे को लेकर यहाँ से निकल जाता है और लेकर जाता है अपने उसी पर्सनल रूम में जिसमे उसने नीना को जाने से मना किया था। अंदर जाते ही आंद्रे के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बुरी तरह डर रहा है वहाँ की सारी चीजों को, वहाँ के माहौल को देखते हुए। यहाँ नीना भी आंद्रे को ढूंढते हुए घर से बाहर आती है, जहाँ उसे दोबारा से वही हिरन का मास्क पहना हुआ इंसान दिखाई देता है। उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि उसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं, इसीलिए वो अपना ध्यान भटका देती है और जब दोबारा दिखती है तो वहाँ कोई नहीं था, असल में वो बाहर आंद्रे को ढूंढने के लिए आई थी। उसके पीछे पीछे लूथर भी आ जाता है और उसे कहता है कि अगर तो तुम यहाँ पर आंद्रे को ढूंढने आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं वो यहाँ से जा चुका है। नीना कहती है, ऐसे कैसे, वो मेरे से मिले बगैर कैसे चला गया? तो लूथर जवाब पे कहता है, शायद वो जल्दी में था इसीलिए। जिसके बाद वो नीना को वही ड्रिंक देता है जो हर रोज वो नीना को पिलाया करता था, जो पीते ही नीना बेहोश हो गई। ये लोग नीना को अंदर ले आए, एक मिनट के लिए नीना की आंख खुली तो उसने देखा कि उसे व्हाइट कलर के टेबल पे लिटाया गया था और बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हुए उसके साथ कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जैसे ही नीना की आंख खुली
तो उसने अपने आप को बेड पे पाया। उसके कपड़े भी बदले हुए थे, ऐसे जैसे नॉर्मली वो खुद रात में कपड़े बदल कर सोती है। उसे लगा कि उसने जो भी देखा शायद वो उसका ख्वाब था। जिसके बाद वो अपने रूटीन के कामों पे लग जाती है। सफाई करते हुए उसे फ्लोर पे खून मिलता है। ये देखकर वो हैरान हो गई। उसने सोचा कि आखिर ये किसका खून हो सकता है। अब उसे गड़बड़ी महसूस होने लगी थी और इसी गड़बड़ी का पता चलाने के लिए वो लूथर के रूम में जाती है, जहाँ अलमारी के अंदर उसे एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर बहुत सी तस्वीरें थी जिसमें साफ साफ दिखाया गया था कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान इनकी कम्युनिटी के लोग इंसानों का गोश्त खाते हैं। ये लोग कैनिबल हैं, इंसान खाने वाले इंसान। यहाँ पर इनकी वो बुक भी थी जिसके अंदर इनकी कम्युनिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। इससे पहले कि नीना इस बुक को पढ़ पाती, उसे लूथर के आने की आवाज आती है। जल्दी से वो सब कुछ बंद करके बाहर निकल आई। इस टाइम लूथर बेसमेंट में था, जिसे देखने के लिए वो खुद भी बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट के एक रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और लूथर जब बाहर निकला तो उसके हाथ में छुरी थी। ये देखकर नीना घबरा गई। उसे अंदर कमरे से आने वाली आवाज आंद्रे की लग रही थी। लूथर उसे कहता है, चाहे तुम मर भी जाओ लेकिन इस कमरे में मत जाना। लेकिन लूथर के मना करने के बावजूद भी आधी रात होते वो बस कमरे में गई। लूथर ये बात जानता था कि आज नीना उस कमरे में जरूर जाएगी, इसीलिए वो भी जाग रहा था। और वो उसे कमरे में जाने से पहले ही पकड़ लेता है और कहता है कि आइंदा के बाद कभी ऐसी गलती मत करना, जो मैं कह दूं वही करना। अगले दिन जब लूथर ग्रोसरी करने के लिए जाता है तो नीना छुपके से दोबारा बेसमेंट में जाने का प्लान करती है। वो अपनी बेटी को ऊपर घर में छुपा देती है और एक नाइफ लेकर बेसमेंट में आती है। इस नाइफ से जब वो लॉक खोलने में कामयाब नहीं हुई तो उसने एक एक्स यानी कुल्हाड़ी से वो दरवाजा ही तोड़ डाला और अंदर जाने पे तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर आंद्रे ही था। उसका शक बिल्कुल ठीक था, लूथर ने उसकी आंखें निकाल ली थी। वो आंद्रे की मदद करने का सोचती है और आंद्रे को लेकर यहाँ से बाहर निकल आती है। साथ ही साथ उसने अपनी बेटी को भी उठा लिया। इससे पहले कि ये लोग इस जगह से निकल पाते, उसी वक्त लूथर यहाँ आ जाता है और इन तीनों को ही पकड़ लेता है। वो इन तीनों को ही शॉटगन से बेहोश कर चुका था। नीना को जब होश आया तो उसने अपने रूम में अपने आप को बंधा पाया। इस वक्त लूथर उसके लिए खाना और वही ड्रिंक लेकर आया जो उसे रोज वो दिया करता था। नीना ये पीने से मना कर देती है, जिसके जवाब में लूथर कहता है, तुम्हें नहीं खाना तो ना खाओ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देख लेना मैं तुम्हारी बेटी का कितना बुरा असर करूंगा। ना चाहते हुए भी नीना को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसका दिया ड्रिंक पी लेती है। रात में लूथर अपने बड़ों की तरह कपड़े पहनता है, खाली जिस्म पे एक अजीब सा कोट और हिरन के सींग, जिसके बाद वो नीना के पास आया। उसको ऐसा देखकर नीना समझ गई कि जिसे वो रोज देखती थी वो उसके हेलुसिनेशंस नहीं थे, बल्कि वो लूथर ही था जो उसे इस तरह नजर आता था। इस टाइम वो नीना को लेकर बाथरूम में गया। उसने नीना को कपड़े उतारने का बोला और नीना से उसके सामने नहाने को कहा। नीना नहाने लगी तब इस आदमी ने कहा कि जब तक तुम पाक नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बन सकती। जब नीना ये सब कर रही थी तब वो नीना से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को खुद पाल पोस के बड़ा करूंगा और अपनी कम्युनिटी के मुताबिक उसकी परवरिश करूंगा। ये सारी बातें सुनकर जब गुस्से में नीना उसके ऊपर हमला करने वाली थी तो लूथर उसे बाथटब के अंदर ही डुबा देता है, जिसके बाद उसका वो सर बाथटब से निकाल कर कहता है, तुम बस हमारे साथ कोऑपरेट करो। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। खैर, हम देखते हैं कि अगली सुबह नीना परेशान बैठी थी। लूथर उसके पास दोबारा खाना लेकर आया। वो उसे खाना अपने हाथों से खिलाने वाला था, लेकिन नीना कहती है, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी बेटी से मिला दो। लूथर कहता है, मिला दूंगा लेकिन पहले तुम ये खाना खाओ। नीना उसकी बात मानकर उसका खाना भी खाती है, जिसके बाद लूथर बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने आंद्रे को मार दिया था और अब वो आंद्रे के जिस्म को काट रहा था ताकि उसके गोश्त से वो रात को अपने मेहमानों की दावत कर सके। नीना जो कि लूथर की दी हुई ड्रिंक की वजह से बेहोश थी, रात में जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को डाइनिंग टेबल पे पाया, जहाँ पर लूथर के कल्ट के सभी लोग मौजूद थे। साथ ही साथ नीना की वो दोस्त भी जो उसे लूथर के घर लेके आई थी। नीना समझ गई कि वो भी लूथर के ही कल्ट का हिस्सा है। यहाँ लूथर अपनी वो बुक पढ़ता है जिसे वो हमेशा नीना से छुपा के रखता था। ये बुक पढ़ने के बाद वो कहता है कि अब हम लोग अपने शिकार का खून पियेंगे, यानी ये आंद्रे का खून था जो ग्लासों में उनके सामने पड़ा था। सभी ये उठाकर सिप कर लेते हैं, जिसके बाद लूथर यहाँ खाने की डिश के ऊपर से ढक्कन उठाता है। उसके अंदर था आंद्रे का कटा पका चेहरा। ये सब लोग इस रोस्ट किए हुए सर को खाने वाले थे, जिसे देखकर नीना तो बहुत ही ज्यादा घबरा गई, यहाँ तक कि उसे उल्टी भी लग गई। नीना के ऐसा करते ही उनकी पार्टी खराब हो गई और कल के सभी मेंबर्स ने लूथर को ऊट पटांग की बातें सुनाई कि उसके इस मेंबर की वजह से उनकी सारी पार्टी खराब हो गई। गुस्से में लूथर उसे उठाकर बेसमेंट पे ले जाता है और वहां जाकर बांध देता है। हम देखते हैं कि नीना की बेटी भी यहाँ थी, जिसके जरिए नीना अपने आप को खुलवा लेती है। बेसमेंट में चाकू, बंदूक, बहुत सी चीजें थी
वो यहाँ से चाकू उठाकर अपने पास रख लेती है, जिसके बाद शॉटगन उठाकर बाहर निकलती है। वो अब इन लोगों को, इन घटिया जानवर लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी, वो सब लोगों को मार देना चाहती थी। बेसमेंट से बाहर निकलते ही उसे एक लड़का दिखता है जो नीना के हाथ में गन देखते ही डर गया। वो नीना से कहता है, नहीं प्लीज मुझे न मारो, लेकिन नीना उसकी एक नहीं सुनती और उसे गोली मारते हुए जान से मार देती है। जब ये लोग गोली की आवाज को सुनते हैं तो सभी के सभी अलर्ट हो जाते हैं। लूथर, जो कि नीना की दोस्त को गुड बाय करने गया था, ये दोनों भी घर की तरफ वापस मुड़ गए, जबकि नीना तो यहाँ लूथर के उस पर्सनल रूम की तरफ आ रही थी जहाँ पर उसने हमेशा जाने से नीना को मना किया था। इससे पहले कि वो ये दरवाजा खोल देती, पीछे से नीना की दोस्त आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि नीना भी इस मर्तबा पूरी तैयारी से आई थी, वो भी चाकू से अपने दोस्त का गला काटते हुए उसकी यहीं पर जान ले लेती है। अपनी दोस्त को मारने के बाद उसने गन से उस कमरे का दरवाजा भी खोल दिया था। वो यहाँ अजीबोगरीब चीजें देखती है, इंसानी लोगों के कटे हुए पार्ट्स, इन्हें देखकर वो डर गई। लेकिन अभी उसे हिम्मत नहीं हारनी थी, उसे यहाँ से चाबी लेकर भागना था। इससे पहले कि वो वहाँ चाबी ढूंढ लेती, उसे लूथर की यही करीब आने की आवाज आती है। वो भी गन उठाए तैयार हो गई लूथर को मारने के लिए। लूथर जैसे ही उसके सामने आया, उसने भी गन चला दी और गोली लगी लूथर के हाथ पे। यानी लूथर मरा नहीं। यहाँ लूथर किसी तरह नीना को काबू करते हुए एक बॉक्स में बंद कर देता है और फिर जाता है नीना की बेटी के पास। वो उसकी बेटी को पकड़ कर अपने रिचुअल का हिस्सा बना लेता, उसे मार देता। लेकिन उससे पहले ही नीना उस बॉक्स से अपने आप को छुड़वाते हुए वक्त पे यहाँ पहुंच चुकी थी, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने लूथर को पीछे से काबू कर लिया था। और जैसे ही वो लूथर को पीछे की तरफ करती है, लूथर का क्राउन नीचे गिर जाता है और वही नीना के पाँव में स्टैब हो जाता है। नीना को बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने फिर भी लूथर को छोड़ा नहीं और फिर उसी का क्राउन अपने पाँव से निकालते हुए उसी के जिस्म में स्टैब कर दिया, जिससे लूथर की वही मौत हो गई और आखिर नीना और उसकी बेटी की जान बच गई। नीना ने सुकून का सांस दिया। अगली सुबह होते ही वो लूथर की गाड़ी लेकर यहाँ से निकल गई। और कहानी के आखिरी सीन में हमें बताया गया कि यूएस में अक्सर ही इस तरह लोग गायब हो जाया करते हैं, जिनके बारे में फिर कोई सुराग नहीं मिलता। जो बताते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।